एपीएमसी सोलन में यूनिवर्सल कार्टन बॉक्स के निर्माण व उसके वजन को लेकर राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एपीएमसी अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने की। बैठक में विशेष तौर पर मार्केटिंग बोर्ड शिमला के एमडी हैमिस नेगी मौजूद रहे। वहीं सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर मार्केटिंग बोर्ड शिमला अनिल चौहान, सीनियर लॉ ऑफिसर संजय जोशी, एपीएमसी सोलन के सचिव डॉक्टर रविन्द्र शर्मा, आईआईटी मंडी के प्रोफेसर डॉक्टर तेल्हा समेत 15 के करीब से बॉक्स निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि व अन्य मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि इस वर्ष प्रदेश सरकार ने लंबे अरसे से चली आ रही मांग को पूरा किया है, जिसमें बागवानों के सेब को किलो के हिसाब से बेचा गया, जो कि प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक निर्णय था। इससे प्रदेश के बागवान भी खुश हुए। एपीएमसी सोलन में जो यूनिवर्सल कार्टन के जो एक मीटिंग रखी थी, जो कि हमारे सम्माननीय जो एमडी है हमीस नेगी जी, उसमें विशेष रूप से यहाँ पे आए और इस बैठक में 15 जो कार्टन इंडस्ट्री से जुड़े हुए बोनर्स थे वो आए, जिसमें कि हमारे बद्दी से, पौंटा से और पंजाब से के कार्टन इंडस्ट्री के लोगों ने इसमें भाग लिया। और हमें ये मीटिंग ऑर्गेनाइज, मैक्सिमम ये मीटिंग जो ज़्यादातर बोर्ड में होती है, लेकिन हमें इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का सौभाग्य मिला और इसमें बहुत गहन विचार इसमें किया गया, जो कि सरकार ने इसके ऊपर बहुत विचार कर रही है। और 50 जो कार्टन बॉक्स है वो एज ए ट्रायल हमने जो इंडस्ट्रीज थे उनको कहा है कि आप वो दो, ताकि उसकी जो गुणवत्ता है उसको जाँच की जाए, जिसमें उनको 10 दिन का समय दिया गया।